नमस्कार, धन्यवाद के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीते 9 सालों में विश्व ने हिंदुत्व को उभरते हुए देखा। हिंदू तीर्थ स्थलों की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को पीएम मोदी ने कलरफुल बना दिया है और देश के तमाम प्राचीन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कॉरिडोर बन जाने से मंदिरों की भव्यता इस वक्त चरम पर है। विदेशी धरती पर मंदिरों की तस्वीर बदली जा रही है। हिंदू बहुल भारत, जिसकी जड़ें हिंदुत्व से जुड़ी हैं, जिसकी असल पहचान अब जाकर दुनिया के सामने आई है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ की विरासत दुनिया को देखिए अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विविधता में एकता के मिसाल भारत में इन दिनों धर्म को लेकर गजब की आर पार की जुबानी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक ओर देश का संत समाज हिंदू राष्ट्र की बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है, दूसरी ओर मौलवी इस्लाम को मुल्क का सबसे पुराना धर्म बता रहे हैं। जी हाँ, मौका था जमीन उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन और अलग अलग धर्म गुरुओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें बकायदा न्योता भेजा गया और धर्म की व्याख्या करते करते यहाँ धर्म युद्ध छिड़ गया। हर कोई अपने अपने धर्म को सबसे ऊपर बताने लगा और इन सब के बीच जमीयत के वरिष्ठ नेता महमूद अरशद मदनी ने बोलते बोलते इस्लाम को भारत का सबसे प्राचीन धर्म बता दिया। ओम, अल्लाह और गॉड को एक बताकर मौलवी ये तक कह गए कि जब श्री राम नहीं थे न शिव थे, तब नबी आदम को धरती पर उतारा गया, यानी कि उन्होंने भारत को इस्लाम का जन्म स्थान बता दिया। देखिए मौलवी ने बोलते बोलते क्या कह दिया। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर, जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको, उनके पुतले को पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदमी आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद, उतने ही तरह उतने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मिट्टी नरम है। जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इस धर्म की खसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे करा। तो इस धर्म युद्ध में जैसे ही मौलाना अरशद मदनी ने माइक छोड़ा,
उनकी बातों पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आचार्य लोकेश मुनि ने ना सिर्फ उन्हें जमकर लताड़ा बल्कि मंच भी छोड़ दिया। तो उसके बाद जो मद्दी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है प्यार मोहब्बत की, कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे चार गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के। अभी के धर्म को लेकर आर पार की इस जुबानी जंग के बीच पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की भविष्यवाणी तेजी से वायरल हो रही है। ये वही शंकराचार्य हैं जिनकी काफी लंबे समय से भविष्यवाणियों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा रखी है। और इस वक्त देखिए, देश का संत समाज जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है उसे कुछ लोग काल्पनिक तो मान रहे हैं, लेकिन प्रभु जगन्नाथ की धरती से आने वाले जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारत 3.5 साल के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने दावा किया कि साल 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर शंकराचार्य डंके की चोट पर ये कहते हैं, हिंदू सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है, ये मानवता का पाठ पढ़ाती है, सहिष्णुता अहिंसा व समर्पण सिखाती है। पर ऐसे में देश जिस तरह से बदल रहा है उसे कहा जा सकता है कि आने वाले 3.5 सालों यानी कि 2025 के अंत तक सभी भारतवासी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर देश हित में काम करेंगे, धर्म से नहीं बल्कि विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो शुरुआत से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कवायद करने वाले निश्चलानंद सरस्वती ने इस बार पैगंबर साहब और यीशु मसीहा को सनातनी बताया है। गौर करने वाली बात ये कि यहाँ मौलवी मदनी ने सनातन से ऊपर इस्लाम को बता दिया, और वहां पूरी पीठाधीश्वर ने पैगंबर साहब और यीशु को सनातन धर्म से जोड़ दिया। निश्चलानंद सरस्वती डंके की चोट पर ये कहते हैं, अध्यात्म की राह जब से हमने चुनी है तभी से हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हजारों सालों से पृथ्वी पर सनातन धर्म चला आ रहा है। पैगंबर साहब और यीशु मसीहा भी पहले सनातनी थे। हिंदू राष्ट्र की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के संसद भवन में भी गूंज रही है। ये आने वाले कल के लिए अच्छा संकेत है। तो धर्म को लेकर मदनी से लेकर लोकेश मुनि और पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती के दिल की बात हमने आपके सामने रखी, और ऐसे में क्या हिंदू राष्ट्र का सपना देखा जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में इस्लामोफोबिया का प्रपंच भी चल रहा है। जी हाँ, देश में कट्टरपंथ की आड़ में लोगों के बीच ये सोच फैलाई जा रही है कि घर वापसी, धर्मांतरण, 3 तलाक, हेट स्पीच, कॉमन सिविल कोड और मदरसों पर निगरानी रखकर मोदी सरकार संघ के नक्शे कदमों पर चलकर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दी। लेकिन क्या इसमें कहीं कोई सच्चाई है? हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है।
क्योंकि देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म बताते हो, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे वन से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर वो चलते आए हैं। और उनके पहनावे उड़ावे और एक्शन से भले हिंदुत्व नजर आता हो, लेकिन जहां बात राष्ट्र की आती है वहां उनकी देशभक्ति नजर आती है। धर्म से हिंदू और कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में क्या भारत पर हिंदू राष्ट्र का तमगा लग सकता है? क्या आने वाले समय में भारत का हिंदू राष्ट्र बनना तय है? क्या ऐसा मुमकिन है? इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं प्लीज बताइएगा।